इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यदि आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से पढ़ा है तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्या लगेगा, बिल्कुल इजी। जैसा डिफरेंशियल में उसके उल्टे इंटीग्रल के फॉर्मूले होते हैं, सेम वैसे ही लाप्लास के जो फॉर्मूले है वो किसमें अप्लाई होंगे, आपके इनवर्स लाप्लास। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले बताएंगे टेबल ऑफ सम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये जो लाप्लास के फॉर्मूले होते हैं उसको आप कन्वर्ट इनवर्स में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक तरफ डालिए आप एफ डी, क्योंकि लाप्लास एफ डी की जो हमारी वैल्यू निकलती थी वो क्या निकलती थी, एफ डी। अब आपको क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स में क्या होगा, लाप्लास इनवर्स एफ डी। अब किसका इनवर्स निकालेंगे आप, एफ डी का, और ये किसके बराबर निकल के आएगा, एफ टी। ये जो एन है कहां जाएगा, इस पर, तो ये क्या हो जाएगा इनवर्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ टी। क्या निकल के आएगा आपका, एफ टी, क्योंकि जब लाप्लास करते थे तो क्या आता था, किसके बराबर, एफ टी के। लेकिन अब हमें क्या करना है, इनवर्स करेंगे तो वापस हमारा फंक्शन क्या निकल के आ जाएगा, एफ टी। तो ये टेबल बनेगी आपको, तो सबसे पहला है वन अपॉन पी। लाप्लास निकालते थे हम, याद होगा आपको, लाप्लास लाप्लास वन का क्या होता था, वन अपॉन पी। तो इन वन अपॉन पी किसका इनवर्स होगा, वन का, किसका इनवर्स होगा, वन अपॉन पी बराबर क्या आ जाएगा, वन। अब है आपका सेकेंड वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, तो ये किसकी रहता था, पी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन। तो इसमें समझ में आया,
ये वन अपॉन बी होता है वो किसका होता है, वन का, तो वन अपॉन बी की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन का। ये हमने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट क्लास, बी की पावर क्यू, इसके आप क्या करते थे, वन अपॉन बी की पावर बी प्लस वन यही करते थे, और फैक्टोरियल एन कहा ऊपर, ऐसे होते। तो अब इसमें